नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा, वसई में रहता हूँ। रिजल्ट मेरी सिस्टर का है। यहाँ पे फीमेल्स को पता होगा एंडोमेट्रियोसिस, सुना है? अगर एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा मतलब पीरियड्स के समय क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो इंटरनली होती है, और एंडोमेट्रियोसिस जब डिजीज हो जाता है, पीसीओडी के बाद का स्टेप है ये, उसमें ब्लीडिंग एक्चुअली आउटसाइड जाती है, यानी कि पेट के आसपास में घूमती है। और मेरी सिस्टर को ये 6-7 साल से था, वो भी जानबूझ के नहीं आई है, बिकॉज उसने सेकंड रिपोर्ट नहीं निकाला, बट मुझे पता हो क्लियर है अप टू डेट, मेरे पास उसका फर्स्ट रिपोर्ट पूरा है। CA 125 तक का रिपोर्ट डॉक्टर ने निकालने बोला था। आपके डॉक्टर है मैडम? CA 125 मीन्स कैंसर का टेस्ट होता है, अगर ब्लीडिंग होती है ज़्यादा तो कैंसर का टेस्ट होता है। और मुझे याद है जब अभी 3-3.5 महीना पहले की बात है, और शी वॉज अगेंस्ट कैंगन एक्चुअली ऑन दैट पॉइंट। और जैसे ही ये पता लगा तो मेरे घर में ऑलरेडी पिछले 4 साल से कैंसर हुए हैं, मेरी मम्मी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो हमें अब लगा कि ये भी एक और केस आया है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उसने एक ही बोला, भाई अब तू ही बचा, क्योंकि मैं बार बार कैंसर कैंसर कैंसर, हम लोग घर पे डेमो वगैरह करते समय करते थे। मैंने सिर्फ उसे इतने बोला, बिकॉज शी गवर्नमेंट जॉब में है, तो मैंने बोला 15 दिन का खाली तू टाइम निकाल सकती है, घर पे ही रहना पड़ेगा तुझे। तो डॉक्टर ने उसे हर महीना 10,000 का इंजेक्शन बोला था, 3 मंथ्स के बाद में अगर उसे पेट दर्द नहीं होगा तो उसके बाद एंड ऑफ कुछ कहते हैं जिसे ओवरी निकाली जा सकती है, ऐसे कुछ वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, जो एक वर्ड है मुझे क्लिक नहीं हो रहा है वो। तो वो जैसे ही उसने छुट्टी लिया, मैंने उसे एक ही किया 11.5, जो मुझे भी मुझे लगता है मेरे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मैंने उसे, सॉरी यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने उसे 11.5 दिन में 3 बार अप टू आई थिंक 1.5 लीटर तक मैंने उसे शुरू किया। और 15 दिन के अंदर अंदर उसका ऐसा था कि भाई मेरा पेन एकदम गया है, पूरा पेन चला गया। नेक्स्ट रिपोर्ट निकाला, डॉक्टर ने पिछले 6 साल से उसे पीसीओडी सोच करके स्टेरॉइड्स दिए जा रहे थे, फीमेल डॉक्टर, और वो बिकॉज वो गवर्नमेंट में है तो उसे यू नो इंश्योरेंस वगैरह सब फास्ट होता था, तो जो उसे समझ में आता था वैसा कर दी थी। बट अभी ऐसा है, उसको एक भी मेडिसिन नहीं ले रही हो, 1 महीने के अंदर उसने पूरा बंद कर दिया एलोपैथी, जो भी मेडिसिन था, आयुर्वेदिक भी कुछ चालू कर रखी थी बंद कर चुकी है, 3.5 महीना होने आया है, पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे हैं। अभी जैसे अगर रिपोर्ट निकालूंगा तो शायद मैं नेक्स्ट सेमिनार्स में अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ तो मैं करूंगा, बट डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा किसी को भी पीसीओडी है या इस टाइप का है, आप गो फॉर 11.5। एक बार आपने सीनियर से एक बार ये कंसल्ट कर लीजिए किस तरीके से लेना है, और 9.5 रेगुलरली लिया गया है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।